ये है जानो जंक्शन। नमस्कार, आज है 29 जून 2022। मैं हूँ पूजा वर्मा और आप सुन रहे हैं जानो जंक्शन पे हिंदी न्यूज पॉडकास्ट न्यूज रेल। पहले मुख्य समाचार। पकड़े गए कन्हैया लाल के हत्यारे, पाकिस्तानी एंगल की जांच कर रही एनआईए। उदयपुर में कन्हैया लाल का अंतिम संस्कार, पत्नी बोली हत्यारों को फांसी दो नहीं तो वे कई लोगों को मारेंगे। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का फ्लोर टेस्ट कल, गुवाहाटी से गोवा निकले बागी। महाराष्ट्र संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। अब समाचार विस्तार से। उदयपुर में जघन्य हत्या के बाद पूरे शहर में जगह जगह पुलिस तैनात कर दी गई है। 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं पूरे राजस्थान में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। कन्हैया लाल की हत्या के मामले के तार पाकिस्तान से जुड़ते नजर आ रहे हैं। पूरे मामले की जाँच एनआईए ने अपने हाथ में ले ली है। दोनों आरोपियों मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां के तहत केस दर्ज किया गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 8 से 10 मोबाइल नंबर ट्रेस किए हैं। इनकी लोकेशन पाकिस्तान से लेकर भारत में आ रही है। इन्हीं नंबरों पर रियाज जब्बार और गौस मोहम्मद की लगातार बातचीत भी हो रही थी। इस इनपुट ने खुफिया तंत्र के कान खड़े कर दिए हैं। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने भी इस मामले को लेकर खुलासा किया है कि दोनों पाकिस्तान और अरब देशों के लोगों से कांटेक्ट में थे। इनके मोबाइल में पाकिस्तान और अरब देशों के नंबर मिले हैं। रियाज और गौस की पाकिस्तान के नंबरों पर खूब बातचीत होती थी। राज्य मंत्री यादव ने इनके कराची में ट्रेनिंग लेने का भी दावा किया। बताया गया है कि दोनों ने 2014-15 में करीब 15 दिन की ट्रेनिंग ली थी। पाकिस्तान के आका के बुलावे पर दोनों नेपाल के रास्ते वहां गए थे। इसके पहले उदयपुर में तालिबानी तरीके से टेलर की हत्या करने वाले आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज जब्बार 170 किलोमीटर दूर राजसमंद जिले के भीम इलाके से पकड़े गए। इन हत्यारों के पकड़े जाने का घटनाक्रम भी नाटकीय रहा। दोनों ने भागने की पूरी कोशिश की लेकिन आखिरकार पुलिस के बिछाए जाल में फंस गए। हत्यारों के पकड़े जाने का एक वीडियो भी सामने आया है। दोनों की राजसमंद के पास होने का इनपुट मिलते ही राजसमंद एसपी उदयपुर से बाइक पर हेलमेट लगाकर खुद निकले और राजसमंद के भीम देवगढ़ इलाके में पहुंचे। उदयपुर और आसपास के जिलों की पुलिस वारदात के बाद से ही एक्टिव थी। इन इलाकों में कड़ी नाकाबंदी की गई। पुलिस की 10 टीमें आरोपियों का पीछा कर रही थी। इस दौरान गौस मोहम्मद और रियाज जब्बार पुलिस को देखकर भागने लगे तो दोनों को सड़क पर ही दबोच लिया गया। राजसमंद पुलिस करीब रात 8 बजे दोनों को भीम थाने लेकर पहुंची। इससे पहले जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी मिली, काफी संख्या में भीड़ थाने के बाहर जुट गई। भड़के लोग नारेबाजी करने लगे। भीड़ मांग करने लगी कि आरोपियों को हमारे हवाले कर दो। इस पर एक बार तो पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा लेकिन माहौल बिगड़ते देख पुलिस आरोपियों को अज्ञात जगह ले गई। उदयपुर में मंगलवार को धारदार हथियार से मारे गए कन्हैया लाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। उदयपुर के अशोक नगर श्मशान घाट में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के बीच अंतिम संस्कार कर दिया गया। जबकि शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग बेहद गुस्से में हैं और कन्हैया लाल के कातिलों को सजाए मौत देने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले पोस्टमार्टम के बाद जब उनका शव घर ले जाया गया तो घर में कोहराम मच गया। परिवार वालों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। कन्हैया लाल की पत्नी ने हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की। बिलखती पत्नी ने कहा कि हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए, नहीं तो ये लोग कई लोगों को मारेंगे। अंतिम यात्रा में भी हजारों लोग शव के साथ साथ सड़क पर चल रहे थे। हर कोई एक आवाज में कन्हैया लाल के गुनाहगारों को सजा देने की मांग कर रहा था। अंतिम संस्कार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। हालांकि अंतिम संस्कार का जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया। फिलहाल घटना के विरोध में पूरा उदयपुर बंद है। किसी भी हालात से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस भी तैनात की गई है। महाराष्ट्र के बागी विधायक असम के गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू होटल छोड़कर गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि ये विधायक फ्लोर टेस्ट से पहले गोवा का रुख कर सकते हैं। शिवसेना के बागी विधायक गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने कहा है कि उनका पक्ष बागी नहीं है बल्कि असली शिवसेना है। शिंदे ने कहा कि हम बाला साहेब ठाकरे को मानने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हम कल मुंबई पहुंचेंगे और विश्वास मत में हिस्सा लेंगे। इसके बाद हम दल की बैठक करेंगे और आगे के कदम पर चर्चा करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उद्धव गुट की याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है। कोर्ट में आज ही सुबह गवर्नर के उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर हुई थी जिसमें राज्यपाल ने 30 जून को शिवसेना सरकार से बहुमत साबित करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव गुट की पैरवी कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर के फैसले से पहले वोटिंग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें आज ही फ्लोर टेस्ट का पता चला है, लेकिन जिस सुपरसोनिक स्पीड से फ्लोर टेस्ट का फैसला किया गया है उससे बहुमत पता चलना मुश्किल हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के विवेक पर संदेह करना उचित नहीं। समाचार लिखे जाने तक शिंदे पक्ष के वकील अपनी दलील रख रहे थे। आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए जानू जंक्शन पे न्यूज़ रेल 101.3।